नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा दैट रूम। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मटकी को घर पर किस तरह अंकुरित करना है वो बताने वाली हूँ। तो एक कटोरी मटकी मैंने ली है, उसे गुनगुने पानी में हमें भिगो कर रख देना है। सुबह अगर हमने भिगोया तो शाम तक हमें इसे भिगो कर रख देना है। शाम में आप देख सकते हैं मटकी जो है वो काफ़ी फूल चुकी है। उसे छलनी लेकर ऊपर ऊपर की मटकी जो है वो अच्छे से आपको निकालनी है, ताकि फूली हुई मटकी जो है वो अच्छे से ऊपर आकर निकल जाए और नीचे जो है उसके पत्थर या कड़क मटकी जो है वो नीचे ही बच जाए। तो इस तरह से मैंने मटकी जो है वो निकाल ली है और नीचे जो है वो कुछ कड़क मटकी और कुछ पत्थर जो है वो आपको दिख सकते हैं। इस तरह आसानी से आप उसे अलग कर सकते हैं। मटकी जो है वो अच्छे से धोकर 5 मिनट तक रख देना है, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा का पानी है वो निकल जाए। 5 मिनट बाद एक कॉटन का कपड़ा लेकर उसमें हमें ये डाल देना है। और उसे अच्छे से ढककर हमें उसी छलनी में रखकर ऊपर से प्लेट जो है वो ढककर रात भर रख देना है। तो रात भर रखने के बाद सुबह अगर आप देखेंगे तो आपके मटकी को बहुत ही बड़े बड़े लंबे लंबे स्प्राउट जो है वो आ जाते हैं इस तरह से, जो बहुत हेल्थ के लिए हेल्दी भी होते हैं। तो विंटर में आप इसी तरह कसकर बांधकर उसे स्प्राउट जो है वो ला सकते हैं। छलनी के अंदर से हवा जाने के कारण और ऊपर से गर्माहट होने के कारण इस तरह से लंबे लंबे स्प्राउट्स वो निकल आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।